अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपने खाने कुकिंग चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अपने खाने कुकिंग चैनल वेलकम टू। जी आज हम बनाते हैं अम्मा के साथ जर्दों सवैयों का जर्दा। जी अम्मा जी बताइए। दो चम्मच घी, ठीक है ठीक है, और तीन से चार इलायची पाउडर, सवा इलायची पाउडर, ठीक है। तड़का लिया आपने, उसके बाद उसका तड़का बना लिया, उसके बाद इसमें हमने डाल दी जनाब जी एक और सवैयाँ, ठीक है, बारीक करके इसको थोड़ा सा भून लिया, भूनेंगी भी आप, ठीक है। और वो अभी हम इसको भून रहे हैं, कितने देर तक भूनेंगी? बस थोड़ी सी, दो तीन मिनट के लिए, ठीक है। ज़रा के भूनने से इनकी सवैयों की नमक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इतना के मतलब के जले भी ना और लाइट सी वो हो, लाइट ब्राउन, ठीक है। सवैयाँ बाज़ार से आती हैं, सवैयाँ बाज़ार से जो आती हैं कुछ ऐसी होती हैं कि ज़्यादा सफ़ेद होती हैं, उनको तो भून कर थोड़ा ब्राउन कर लें, ठीक है। लेकिन ये हमने पैकेट की ली थी। हाँ पैकेट की होती हैं, ये देखें इसको मैं भून रही हूँ, तकरीबन दो कप दूध डालेंगे, फिर पानी डाल के बना सकते हैं। अगर दूध ना हो ना आपके पास तो आप इसमें पानी डाल के बना सकते हैं। बस इसमें एक कप चीनी डाल दें, फिर इसको हल्की आंच पे रख के दम पे रख दें, और गार्निश के लिए अपना पिस्ते बादाम किशमिश ये डाल दें ऊपर। बस हम एक कप चीनी डाल दें इसमें, तो थोड़ा सा चख लें मीठा, अगर तेज़ खाना है तो और डाल दें, लाइट रखना है तो ठीक है। एक कप, एक कप दोबारा बता दें कितने सवैयों में डाला आपने? एक पाव सवैयों में, एक पाव सवैयों में एक कप चीनी डाल दीजिए आपने। अब इसको हम नीचे तवा रख के, चूल्हे पे तवा रख के ना दम पे रख देंगे, थोड़ी देर बाद सवैयों का जर्दा तैयार हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर सवैयों का ज़रदा रेडी है। सवैयों का ज़रदा या दूध वाले सवैयाँ, मतलब इसमें दूध को हमने सवैयों पर डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए दम रख दिया था दम पे, तो ये अब रेडी हैं। आप इनको ईद त्यौहार पे भी बना सकते हैं, दावत करें आप किसी किस्म की अपने मेहमानों की तो उसमें भी सर्व कर सकते हैं, और ईद वगैरह पर भी सर्व कर सकते हैं, और शादी की दावत वगैरह में तो ज़्यादा करके अच्छा लगेगा ये। तो बनाइए और अपने चाहने वालों को खिलाइए, और रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए अपने चाहने वालों के साथ, और अच्छा लगे अच्छी लगे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, फीडबैक दीजिए अपनी, और चैनल मेरे को जिसका नाम है अपने खाने, और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगेबान।